सर यूनिलेटरल टिनाइटिस है तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं मुझे? सेम टिनाइटिस वी हैव कवर्ड कि इफ इट इज नॉट हैम्परिंग हिज सेंस ऑफ मींस एबिलिटी टू हियर देन ही कैन जॉइन इट इज माइंड. सर आई हैड अ डाउट अबाउट हियरिंग टेस्ट डन इन मर्चेंट नेवी. माय इशू इज दैट माय लेफ्ट ईयर इज परफेक्टली फाइन बट माय राइट ईयर हैज लेस हियरिंग थ्रू ऑडियोज ऑफ 60 decibel एंड लेसर. बट माई राइट ईयर हैज लेस हियरिंग दो ऑडियो ऑफ 60 decibel एंड लेसर आर ऑडिबल बट नॉट अबव 60 decibel. इज इट परमिसेबल? दिस इज आई थिंक अ रेयर थिंग ना कि 60 decibel से नीचे सुनाई दे रहा है उसके ऊपर सुनाई नहीं दे रहा है. ऊपर तो इज नॉट द प्रॉब्लम. यू हैव टू हैव अ थ्रेशोल्ड इज 40 decibel. राइट सर. 40 decibel के मतलब 40 decibel से कम वाले तो ठीक है. मतलब 40 decibel तक आपको सुनना चाहिए. सपोज 40 decibel से ज़्यादा आपका थ्रेशोल्ड हो रहा है मतलब देन तो यू कैन नॉट जॉइन है ना. तो सपोज आप जो है 60, 50 उससे कम वाली साउंड्स नहीं सुन रहे हो तो डैट इज़ अ प्रॉब्लम. तो 40 एंड लेस देन 40 अगर आप सुन रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन ऊपर वाले का अगर आप 40 से ऊपर सुन रहे हो इन इस केस में आई थिंक इट इज अ डिफरेंट बट नॉट अबव 60. हाँ मतलब वो 60 से ऊपर नहीं सुन रहा है लेकिन लोअर सुन रहा है. तो सर बट इसमें ये तो केस अलग बन गया. हाँ. सपोज कीजिए शिप के ऊपर कोई धमाका हो रहा है विच इज ऑफ 60 decibel एंड मोर. मतलब अगर ये इंजन रूम में गए तो आवाज सुनाई नहीं देगी फिर. हाँ, तो बहरे हो गए देन इट्स अ प्रॉब्लम. इट इज अ प्रॉब्लम. ये इस तरह का ये बड़ी रेयर प्रॉब्लम है इसलिए बट इट्स अ प्रॉब्लम. यू गो ऑन शिप एंड आपको टर्बो चार्जर सर्जिंग हो रही है आपको पता नहीं चलेगा कि तो प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली वो चीज वहाँ पे फिर लिमिट हो जाएगा इसके लिए. लिमिट हो जाएगा इंजन रूम तो खास कर इट्स अ प्रॉब्लम देना. आपको आवाज ही नहीं आएगी भाई. ही हैज टू वही रेक्टिफाई इट. एक ईएनटी सर्जन से मिल लें और कि क्या प्रॉब्लम है क्योंकि ये बड़ा रेयर है. मैं पहली बार इस तरह की जी 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 वो एक लिमिटेशन देखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर आई हैड टिम्पेनोप्लास्टी एंड मास्टियोडिक्टॉमी इन माय राइट ईयर. सर थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा क्या चीज़ है. कैन आई जॉइन मर्चेंट नेवी? ये टिम्पेनोप्लास्टी और बेसिकली मास्टियोडिक्टॉमी एयर ड्रम में जब इंजरी होती है तो उसकी जो सर्जरी होती है उसे ठीक करने के लिए उसे टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं. और मास्टॉइड जो है वो मास्टॉइड बोन होती है तो वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है इन्फेक्शन हो जाता है कई बार तो उसकी वजह से तो वहाँ पे जो सर्जरी होती है उसको हम बोलते हैं मास्टियोडिक्टॉमी. तो वो थोड़ा सा एक टेक्निकल सा है लेकिन वो बेसिकली रिलेटेड टू एयर. तो अगर ये करवा रखा है और वो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो आप जॉइन कोई दिक्कत नहीं है. राइट. ओके सर. बट सर इसमें से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर करवाया है तो बताइए बता दीजिए. कोई भी प्रोसीजर अगर हुआ है तो वो बता देना चाहिए डॉक्टर को. जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर या डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर जहाँ से आप मेडिकल करा रहे हो तो कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए. सर आई हैव टिनाइटिस इफ आई एम सेइंग राइट. टिनिटस बट हियरिंग इज नॉर्मल 13 decibel बोथ हियर. कैन आई जॉइन मोचन नेवी? टिनिटस इज जस्ट एक वो एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है इन एयर्स. अगर वो इट्स नॉट हैम्परिंग हिज वर्क इन द शिप ऑन बोर्ड तो यू कैन जॉइन. मतलब इफ ही इज कम्फर्टेबल विद दैट. मतलब उसको अगर हियरिंग तो प्रॉपर है लेकिन ये है कि उसको बस एक साउंड सुनाई दे रही है. वो साउंड जो है इतनी इरिटेबल नहीं है कि वो काम कर पा रहा है देन इट्स परफेक्टली. मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर वो ऑटोमेटिक टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है जो मिनिमम हेयरिंग और मैक्सिमम हेयरिंग है तो. हाय एवरीवन. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको और डिटेल्स जाननी है देयर कैन बी सो मेनी क्वेरीज अबाउट मेडिकल्स हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी के लिए सो आई वुड रिकमेंड कि आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पर जाएँ. उसके बाद आप स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएँ. स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएंगे बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं. फ्री कोर्सेज में जाएँ. फ्री कोर्सेज के अंदर आपका एक कोर्स दिख जाएगा विच इज़ ये आ गया मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज. आप जब इस मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज पर जाएंगे तो यहाँ पर इस मेडिकल सीरीज के अंदर आपको सारी जानकारी हाउ टू फाइंड डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर, आई साइट से रिलेटेड, हाइट एंड वेट से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, बोन्स एंड फ्रैक्चर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नॉक नीज, फ्लैट फुट से रिलेटेड, स्टमक इंटेस्टाइन, ट्यूमर, लाइपोमा, ब्लड प्रेशर, किडनी, प्राइवेट पार्ट, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस कोर्स में दीवी और बाकी हम डाल रहे हैं. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ एनरोल फॉर दिस फ्री कोर्स एंड गेट ऑल दी गाइडेंस. आप ही लोगों के लिए बनाया है. जय हिंद, जय भारत, जय माता.